ज्ञानांजन शलाकया चैतन्य चैतामृतं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। कनक जलद गात्र नील सोनाभ जनेत्र मृग मद वर्ण मालती कुंद मालो तरल तरुण बेश नील पीतांबरेश स्मर निभृत निकुंजे राधिका कृष्ण चंद्र। हा देवी काकु भरि गद गद याद वाचा याचे निपत भूवि दंड बदौड़ भटारती अश्व प्रसाद मबुधस जनस कृत्वा गांधर्विके निज गणे गणनां विधेहि। अंग श्यामली मच्छटा विरवित मंदी कृतंदी बरम जाडं जागुडरोचि सांग विदधतम पट्टांबर सश्रिया वृंदारण्य निवासिनम हृदि लसदमाभिरामोदरम राधास्कंध निवेशितोज्ज्वलभुजं धैं दामोदरम। भक्ता विहीना अपराधलक्षयि क्षिप्त्वाश्च कामादितरंगमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परम आराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग के श्रीचरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर उपस्थित समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथाज्ञ प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। उस माता ने पूछा कि मुझे क्या आता दिया सेवा करता को तो आता क्या देख लो। आज हम लोग
चैतन्य चरितामृत से जब श्रीमन महाप्रभु जगन्नाथपुरी जा रहे थे सन्यास के उपरांत, साथ में नित्यानंद प्रभु और कुछ भक्त लोग थे। रास्ते में श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्रीमन महाप्रभु को ये खीरचरा गोपीनाथ के बारे में जो बताया उसको आलोचना कर रहे हैं, और ये भी दिखाया था साक्षी गोपाल भी, वो भी इसमें से आलोचना करेंगे। ये ये माधवेंद्र पुरीपाद ये है कौन? ये श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरुदेव के गुरुदेव, परम गुरुदेव, ये श्री ब्रह्म संप्रदाय के ये प्रेम के प्रथम अंकुर है। माधवेंद्र पुरीपाद का नियम था किसी से कुछ मांग करके नहीं खाते थे, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिले वो भी ठीक है। दिन के दिन निर्जला एकादशी चल रहा है तो चल ही रहा है, कोई होशाबास नहीं है। ब्रज में हम जब गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, आन्नूर गांव के बाद एक स्थान है जिनका नाम गोविंद कुंड, वही गोविंद कुंड के उत्तर दिशा में आन्नर गांव के पश्चिम साइड में एक स्थान है जिसको गोपाल प्रकट स्थान कहा जाता है, जहाँ पर गोपाल मिले थे। उधर एक बड़ी सी शिला रखा हुआ है जिसको बजना शिला कहा जाता है। आप पत्थर के इधर कान रखिए, उधर बजाइए, बहुत सुंदर शब्द निकलता। अभी भी वो बजना शिला रखा हुआ है। रामानंद देखा? हम गुरु जी के साथ एक बार गए थे और बहुत लोग ले करके जाना संभव नहीं, जाते नहीं है। उधर मंदिर बनाया, छोटा था मंदिर तो था, तो बनाया। अन्य गांव के पास पास में ही ना उस पार बनाया। हाँ हाँ, मैं गया ही नहीं, वो मंदिर देखा दूर से। हाँ अच्छा, पहले तो जब मेरे साथ गया था उस समय तो मंदिर था नहीं, बाद में मंदिर देखा दूर से, मैं गया नहीं क्योंकि बहुत लोग है ना लेके जाना। लेकिन बजनीशिला तो है ना उधर, ठीक है। तो ये माधवेंद्र पुरीपाद गोविंद कुंड के तट पर भजन करते थे। एक दिन एक प्रतिदिन कितने बालक आते थे श्रीमन नित्यानंद को सुना रहे श्रीमन महाप्रभु को, तो उधर गए कितने दिन प्रतिदिन बालक बाबा बाबा करके बाबा के साथ बात करते करते हैं। एक दिन एक बालक आया, बोले बाबा बाबा तुम हमारे ब्रज में कोई भूखे नहीं रहते, तुम माधुकरी क्यों नहीं करते हो? बाबा कुछ उत्तर नहीं, कितने बालक प्रतिदिन आते हैं, क्यों नहीं माधुकरी करता है? देख ब्रज में इतने बाबा लोग हैं, सब माधुकरी खाता है, क्यों नहीं करते हो? बाबा तुम समझ रहे हो मैं कैसे जाना? देख बाबा, हमारे गांव से ना मेरी माँ है, मौसी है, चाची, ये सब लोग पानी भरने के लिए आती है। देखा तुम घंटों ही पर बैठे के भजन कर रहे हो। देख बाबा देख, मेरी माँ ना थोड़ा दूध भेजा है, तुम इसको पा लेना जब तुम्हें फुर्सत मिले। बाबा मैं ना ठहर नहीं सकता, मैं देर करूँ मैया डांटेगी, मैया का डर है मुझे, लेकिन बाबा मैं आके ये मटका ले जाऊंगा,
मैं भी चलता हूँ। बस वो लाला चला गया, ब्रज के लाला। अब जी वो लड़का चला गया, अरे बाबा को भजने मन ही नहीं लगे, ये क्या बात है, क्यों मन नहीं लग रहा है? तो वही चिंता हो रहा है, बाबा तू इस ब्रज में भूखा क्यों रहता है? सब लोग माधुकुरी करके जीवन गुजारा करता है, तू माधुकुरी क्यों नहीं करता? तू सोचा मैं कैसे जाना, मेरी मम्मी, मेरी मैया, मौसी, ये सब चाची, आस पड़ोस के सब लोग पानी भरने के लिए आती हैं, वो लोग मुझे बताया। कल वही मन में आ रहा है, पहले तो कृष्ण के लीला सब स्फूर्ति हो रहा था, अब सब बंद। ले ऐसे कैसे हो गया? प्रतिदिन तो कितने ब्रज बालक आते हैं, मुझसे बाहिल मिल जाते हैं, बात करते हैं, ऐसे क्यों हो रहा है? कोई बात नहीं, ब्रज बालक तो हैं, था दूध पी लूँ, जई पिया दूध थोड़ा सा, शरीर में अष्टसात्विक भाव उदित हो गया। अष्टसात्विक भाव अर्थात हमारे सत्व से उत्थित जो भाव, उसको सात्विक भाव। इसमें क्या है? रोमांच, कंप, अश्रु, सर्वेद, विवर्ण, बहुत कुछ आठ भाव है, एक साथ उदित हो गया, एक के बाद समझ गए। ओहो हो, ये छलिया आया था, मुझे छल करके चले गए। अब जब बुलेट चला जाता है बंदूक से निकल करके, या तीर कमान से निकलता है और वापिस नहीं ले सकते, श्याम सुंदर कमान माने कि तीर कमान से निकल गया, अब क्या करें? बोला ये तो बता के गया, सोंगा ही नहीं, क्योंकि बताया सत्यम त्रिसत्यम सत्य सजोनि निहितंच सत्य सत्य सत्तात्मक सत्य नेत्रम सत्तात्मकम तं शरणम प्रपद्ये। बता रहे हैं तो श्रीसत के लिए बताया सत्य त्रिसत्य तीन कालों में सत्य समस्त सच उनके चरण से निकलता जरूर आएंगे, सोंगा ही नहीं, ऐसे सोते नहीं थे। आज हुआ क्या? कृष्ण की योग माया का प्रभाव से आज गहरी नींद में बाबा सो गए। वही बालक आया, बाबा मैं बताऊंगा, देख बाबा मैं आ चुका हूँ, मैं बताया था ना, देख बाबा मैं ना इस गांव का देवता हूँ, मेरे पुजारी मुसलमान के डर से मुझे झाड़ियों में रख छिपा करके भाग गया, मुझे निकालो। कबे आसी माधव मोर करीबे सेवन, एई लागी पथ आमी करी निरीक्षण, कब माधव आके मेरा सेवा करेगा, इसलिए मैं बाट जो रहा था, मुझे निकालो इधर से। हाथ पकड़ करके ले कर दिखाया, देखो यहीं पर छिपा हुआ हूँ। देखा फिर यही नींद खुली, बालक अंतर्धान, छी 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 मैं सो क्यों गया, सो गया तो खो गया, इतनी गहरी नींद में सोया आज, अब करें क्या? कोई बात नहीं, सुबह होने पर गांव वाले के बुलाया, वो लोग फावड़ा लिया और कुछ ये जो जो चीज़ जरूरत है, कुल्हाड़ी छुरा ये सब लेकर के साफ किया, थोड़ा सा मिट्टी हटाया, बहुत सुंदर परम सुचिक्कन ठाकुर जी निकले। उसको ला करके गोवर्धन पर्वत के ऊपर रखा, उसमें एक साइड में एक पत्थर, दो साइड में दो, ऊपर में चार पत्थर करके बना दिया, ऐसे इधर दो पीछे एक ऊपर एक, और सामने उसको ढकने के लिए खोलने के लिए दे दिया। अब सबको पता चल गया, बताया गोपाल जी प्रकट हुए। अब सब आसपास से सब गांव से लोग आने लगे गोपाल को दर्शन के लिए। जो ही गोपाल को एक बार देखता है आँख फिरा नहीं पाते, इतने सुंदर रूप, इतने आकर्षक।
और बता मथुरा के लोग सब बड़े बड़े सेठ, मथुरा के सब बड़े बड़े सेठ हैं, वो लोग ठाकुर जी का अन्नकूट शुरू कर दिया। पहले तो कुंड से पानी मांगा गोविंद कुंड से, छान करके ठाकुर जी को मलमल करके स्नान कराया, एक महीना अन्नकूट चला, एक महीना। Уске бад. Все жители смогли получить форму Гопала. Все богатые люди. Дек, тера умор хо гиа хе. Мэ кя тужхе кахо, ар тужхе не кисте кахунга. Туми то мара хе, ат то кой хай не идхар. Ту идна хилая, мера пет то бхар гиа, бхот дин хая не нир пет бхар гиа. Все Инат Гаджи сказал Матхавендра Пури Паду, я полный, ты меня так хорошо накормил, но я так долго был под землей, и мое тело горит. И я хочу попросить тебя отправиться в Джаганат Пури, принеси мне чандану. Yes, yes, yes. То мера сарир ситал хога. Если ты нанесешь чандану камфору на мое тело станет прохладным. Тело может охладиться, если на него нанести чандану или камфору. А как может охладиться ум или душа? Скажите шлоку, какая шлока говорит о том, что чем охлаждается тело, чем охлаждается ум и чем охлаждается душа. Боло. Бхакта хвай со леш. चंदना शीतला लोके, इस जगत में प्रसिद्धि क्या है? चंदन शीतल करता है। चंदना न охлаждает тело, если у кого-то горит тело, ये असल चंदन को घिसिए, घिस करके तो चंदना ये काम फराय बेकार है के बंकल है। Не химическая камфора, а натуральная, естественная камфора. Если смешать чандану и камфору, то можно этой смесью охладить тело. Но если у кого-то ум горит, то охладить его может. Когда чандани читок рахо, со жайе, мон ситал хо жайга, мон тханда хо жайга. Лунный свет. Человек должен сесть под лунным светом. А саду санга она охлаждает огонь души. Чандрамат опи чандрана, чанданат опи чандрама, чандрама чанданойор мудде ситала саду сангати. Благодаря общению с преданными огонь души будет уходить. Саду бата деньги, кэсэ тханда хога. Саду ка санга карна падега. Общайтесь с саду, и саду вам расскажут об этом. Джиска хога и анубхав карега. Только тот, кто очень опытен, он может помочь. Джиска бхуг лаге, туме бхуг лаге, мэ анубхав не кар паунга, тум анубхав кароге. Эйсе джиске атма ме гарми хэ, ой анубхав кар паега. Ар саду देख के समझ जाएगा इसके मन आत्मा में गर्मी है и только саду может понять кто страдает а кто горит в материальном существовании तुम्हारे आत्मा में गर्मी है कि नहीं है हमारे सब के आत्मा में गर्मी है तभी तो हम आए नहीं तो हर कथा क्यों सुनते Все мы страдаем от огня материального существования, поэтому приходим слушать Харикатху. Вот Матхавендра Пури он служил, так вот же и сейчас он отправится в Джаганнат Пури. Из самой Джо Вишну Сами Сампрадай Хэ, Унике Сисолога Пуджари Ракке Гэйте. И он задействовал ученик
учеников Вишну с вами Сампрадая по служению этому божеству? Кто ачарья в этой Сампрадае, Валлабха ачарья? Когда Мадхавендра Пури дошел до Римуны, он шел пешком. और गोवर्धन में तो 10 दिन तो 10 दिन 11 दिन तो हो ही जाएगा, एक दिन पहले तो जाना ही पड़ेगा। तो पुजारी पहले से नोनी गोपाल से पटा लिया, वो जाएगा गोवर्धन में, फिर बता मैं 4-5 दिन प्रचार में भी जाऊंगा। अब ठीक है, तो कहाँ प्रचार में जाऊंगा जानते हो? वृंदावन जाऊंगा, कि दर्शन तो बाद में होगा नहीं, दर्शन खुल जाए तो गोविंद को मैं दर्शन कर लूँगा। आज जब बताया बोले वृंदावन जाऊँगा नहीं, मेरा जी मतलब जी मचलता है, सांस बंद हो जाता है। बोले जाऊंगा तो आऊँगा नहीं, बोले आने जरूरत नहीं, उनका बंधु है ना पागल अरविंद लोचन, उसके साथ रह जाएगा। कमरा तो है नहीं, पूरा भरा हुआ है हल घर में, उसको हल घर में वो परमेश्वर दे देगा, बता दूंगा, कोई चिंता नहीं। पहले बता मैं जाऊंगा प्रचार में 4-5 दिन आपके साथ, ठीक है। तो जब सुन लिया बोले वृंदावन जाऊँगा, बोले वृंदावन जाऊँगा नहीं, बोले मन नहीं लगता, जी घट घुट दम घुटता है, और जाऊंगा तो आऊँगा नहीं, नहीं आए तो क्या असुविधा है? वृंदावन रह जाए तो वेणुगोपाल को असुविधा अच्छे, और अरविंद संगे थे जाए को असुविधा अच्छे, असुविधा अच्छे, वो पागल हो जाए ना कि बोले वो पागल हो जाए। देखिए अब क्या हुआ, अब माधवेंद्र कृपा रख के चले गए, जाते जाते रेमुना में पहुंचे। Мадхавендра Пури Пад задействовал учеников Валлабхачарьи в служении божеству, и они, и сам он отправился в Джаганатхапури. И когда он достиг Римуны, там дали сладкий рис, почувствовал очень сладкий запах. Что это? Отвечали Амрит Кели, особое подношение для Господа. Я никогда ничего не просил. Знал, из чего делается это Амрит Кели. Я бы готовил предлагать Господу. नवद्वीप में एक स्थान है, नाम है मोददरुम द्वीप। मोद माने есть место мододрумом, माने वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके प्रभु राम под деревом там Шри Рамачандра, जिस द्वीप में श्री मन महाप्रभु आनंद लाभ किया, блаженство это называется мододрума, мододрума द्वीप। जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके श्रीमान महाप्रभु आनंद लाभ किया, प्रभु रामचंद्र आनंद लाभ के स्थान का नाम मोददरुम द्वीप। मोददरुम द्वीप место, где श्री रामचंद्र и также महाप्रभु достиг блаженства। 14 वर्ष उस समय की घटना है। सीता देवी पूछा, प्रभु आप अकेला मुस्कुरा क्यों रहे? सीता देवी однажды спросила Рамачандру: "Рамачандра, почему ты улыбаешься?" बहुत से कारणों से मुस्कुराते या हंसते हैं। एक है, यदि कोई हंसने का वस्तु आया, जैसे अभी बताया, वो बताया मैं जाऊंगा तो वृंदावन आऊंगा नहीं, можно смеяться по трем причинам, если есть какая-то причина, अब बताया внешняя причина, कि प्रभु के हंसने में नहीं, कोई что-то произошло, प्रभु राम बोलना नहीं चाहते हैं, что если это продолжал спрашивать, почему ты улыбаешься, क्यों हंस रहे हैं? तो हंसी का कारण हंसेंगे, должна быть какая-то причина, по которой ты улыбаешься. Возможно, ты что-то вспомнил, что было в прошлом. और सब लोग हंसने में उधर जाए, हंसी आएगी।
Кто-то смеется и улыбается по трем причинам. Если что-то сейчас произошло, либо если что-то в прошлом произошло, он вспомнил это. И Господь Рамачандра отвечал: «О, Сита, когда придет время в будущем, нам придется с тобой расстаться, я буду поклоняться твоему золотому божеству. В Кали-югу я отправлюсь в лес, и ты будешь поклоняться моему божеству». Но разве это просто старт говорит? ये माँ को और पत्नी को रुलाना है, तब बताया, देखो सीते, प्रेम का दो पहलू है, एक मिलन है, एक विरह है। इसी त्रेता युग में मैं तुम्हें वन में भेज दूंगा और तुम्हारी मूर्ति बनाकर मैं पूजा करूंगा। कली युग में तुम ही मेरे विष्णु प्रिया के रूप में आओगी, я буду как Шри Чайтанья Прабху, и нам с тобой придется расстаться. Ты сделаешь меня в своей будущей жизни. Тогда я отправлюсь в лес, то есть когда приму саньясу. Но почему же ты улыбаешься, разве это смешно? Он говорит, я памятую лилы из Двапара Юги. Рама Шактиман Ситадеви, она Шакти, Рама тем временем сидел и точил свою стрелу и улыбался, памятуя лилы. वहीं से कहाँ गए, धीरे धीरे रेमुना पहुंचे। पहले नाम था गोपीनाथ, बाद में हुआ किसी से कहता हुआ गोपीनाथ। हाँ, и он делал божество, он стрелой делал божество, это божество попало в Римуну, потом это божество стало Шри Натхаджи. अब हुआ क्या? अब том, который послал Кирчор Гопинатха. Аб жаб Тхакуджи ко бхог лаг гия, арати хо гай, Тхакуджи ко саян дэ дия. Саян дэне ке бад саб лог чале гай, пуджари бич яке, прасад хаке сон гая. После вечернего арати, когда было проведено арати для Гопинатхи, Тхакуджи пуджари ко була рэ хэ, вечернего арати, предложил простат, пуджари отправился спать, и, ну, божество проснулось и разбудило его. И Прабху, я же только что лег спать, мне завтра рано вставать, зачем ты меня будешь? Пуджари, послушай меня. Зачем ты меня будешь сейчас, продолжал Пуджари? Как я буду проснуться утром? Шри Гопинатх, пожалуйста, проснись, это срочно. Здесь мой преданный, я украл для него сладкий рис, горшочек сладкого риса, горшочек и отдай ему. Пуджари полусон в сознании. Пуджари, как же видишь, Тхакурджи сопровождает. Общался с так. О, нони, тумака Тхакур сопровождает, он утай, утут, кидал лег. Смотрите, насколько же возвышен Пуджари, раз какому-нибудь, ко всякому Пуджари может Тхакурджи общаться с ним во сне. Ты бисквит хайе да ойюна дакена. क्या हो गया प्रभु, मैं तो गिन के बारह निकाला, अरे बेटा तू समझा नहीं, मेरी योग माया के प्रभाव से समझ में नहीं आया। было горшочков, все горшочки были, где же ты спрятал еще один? देख मेरा जो धड़ा है ना, पीतो धड़ा, धड़ा बोलते कि पीतो धड़ा,
जो पीताम्बर पहने हैं, दोनों पैर के सामने जो है इसको पीताधरा बोलते हैं, उसके पीछे रखा हुआ спрятал один за своей одеждой. त्रिभंग ऐसे इधर, और ये कपड़ा, ये पीताधरा सामने जो ये धरा माने कपड़ सामने उसके जा पुजारी उठे одежда я спрятал один горшочек. स्नान करके मंदिर में जाना है, उसका मोइसे и снова вернись в храм. Он гуся поменял одежду, зашёл в храм. हाथ में ले लिया, आचमन हो गया, दस हो गया, ऐसा नहीं. ठाकुर जी गुरु से ऐसा नहीं होता है. फिर क्या किया, उठ के सचमुच देखा, अरे मैंने लगाया भोग सामने, कहीं पैर के पीछे कैसे चला गया. जरूर भी विशेष कोई भक्त होंगे. फिर ठाकुर जी को शयन दिया, शयन देकर सिर पर मटका को लिया, छोटा सा ही है, टेस्ट बहुत सुंदर है, गुरु जी को बहुत पसंद था. समाधि दिया गया समाधि में, ये तो जो приносили особо рис из храма Римуна, это факт лог समाधि में भी गुरु जी को प्रसाद दिया था. Царь взял этот горшочек со сладким рисом и пошел искать, где Мадхавендрапури, где Мадхавендрапури. Мадхавендрапури услышал это и подумал, и было уже темно, кто меня зовет? Я Мадхавендрапури. Вот, так уже украл для тебя горшочек сладкого риса. О, так уже это украл для меня. Чарь ему поклоны и ушел. Подумал. देखे प्रणाम करके चले गए. вечером следующее утро много людей придет сюда. सुबह मंगल के समय लोग आएंगे, पुजारी बता देंगे. Так уже оставил горшок. И из-за страха этих прославлений Мадхавендрапури он оставил это место. और उनका स्थान मैं होता तो मंगल आके मैं ही बोलता, मैं माधवपुरी मेरे ठाकुर जी खीर जो सबको बोलता. इसलिए बीच में आप प्रस्तावली नहीं, मैं प्रतिष्ठा चाहते हो नहीं चाहते हैं. Слава следует за преданными, даже если преданные не хотят этого. Слава бежит за преданными. Лура-лура करके जाता है, प्रभु मुझे सेवा में लगाइए. Что в одной деревне. गुरुदेव कहते थे उनके गांव में एक कोई नहाने के लिए गए किसी तालाब में, तो पगेता से स्ट्रेल है, पैर में कुछ लगा, देखा घड़ा सा ही है, बता मुझे ले चलो, इसमें बहुत संपद है तुम्हारे लिए, बल नहीं मैं छूंगा नहीं, यदि मेरे लिए तो मेरे पीछे पीछे लुढ़कते भी आइए. पीतल का घड़ा वो जा रहे हैं, उनके पीछे अपने आप चल के जा रहे हैं. फिर घर में खुला, बहुत कुछ को संपत्त मिला. गुरु जी के गाँव में गुरु जी कहते थे जिसके जब भाग में है, खुदा क्या करता है, जब देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं. कैसे छप्पर फाड़ के देते हैं? छप्पर मतलब क्या है, जो घर के ऊपर घास फूस छे कुछ जो बनाते हैं वो छप्पर बोलते हैं. एक व्यक्ति गए, उनका खेत है, खेत में खेती करने गए, एक घोड़ा मिला, सोने का असर भी भरा हुआ है. फिर क्या किया, दिन में लोग देखेंगे पूछेंगे, रात में लाएंगे. गाड़ के रख दिया, थोड़ा ढक दिया मिट्टी, और अपनी पत्नी से बात कर रहे, देखो आज मुझे कहीं पर जाना है, ऐसे घड़ा मिला जिसमें सोना का अवसर भी भरा हुआ है, तो लाया क्यों, दिन में लोग देखेंगे पूछेंगे कहाँ क्या किसको क्या कहूँ. और स्लिशल अब एक चोर आया था, सुना बोला अरे चोरू, घर से निकल चले गए. जा खेत में देखा, थोड़ा सा ऊंचा है स्थान, उठाया देखा घोड़ा सचमुच घोड़ा है, उठाया उसको या तो या काटने लगा, छोड़ दिया, ढक दिया. फिर कमरे से चले उसे, जो जमीन में है ना भीमलूट बोलता, अगर डसेगा इसे ढक दिया उसको. ठीक है बोले, इसको ये झूठे कहीं का बोले, उसी को कटवाऊंगा.
घोड़ा को जो घड़ा था उसको उठा के ले गया. Меня обманули, здесь ничего нет. И что он сделал? Он перевернул горшок. ऐसे जब भाग में रहता है वो छप्पर फाड़ के प्रभु देते हैं. ऐसे माधवेंद्रपुरी के भाग में खीर था ठाकुर जी का. देखो ठाकुर जी क्या किया, खुद चुरा के रखा. Рано утром все искали Мадхавендра Пури. Лог ढूंढे है ही नहीं. Пада, но никто его не. И так божество раньше звали Гопинат, теперь его звали Кирчар Гопинат. Тот, кто украл горшочек со сладким рисом для Мадхавендра Пури Пада. Пури Пада. А гей. अब चले माधवेंद्रपुरी बोल नहीं पा रहे हैं, शरीर कांप रहा है, आंख से आंसू झड़ी लग रहा है. Он думал, вот так же мне принес этот рис. Я даже не мог выкинуть горшочек, и он разломал горшочек на кусочки и сохранил. Когда я буду, это был глиняный горшочек, когда я буду чувствовать голод, я буду его есть, принимать. Джаганнатхапури он взял там чандана и камфору, там была особая чандана. विशेष करके मलेशिया में पैदा हो, अभी तो है ही नहीं बिल्कुल भी. जगन्नाथपुरी समुद्र के इस पार जगन्नाथपुरी, उस पार मलेशिया जिसका राजधानी है पूरे इंडोनेशिया मलेशिया, और पास में क्या है सिंगापुर थाईलैंड. थाईलैंड का पहले नाम था सेमलैंड, हाँ पुराना नाम. ओ ये सब स्थल पर से जा सकते हैं, रास्ता है चाइना का इधर. ओके ये रशिया भी स्थल पथ से जा सकते हैं. अरे चाइना से स्थल पथ से ट्रेन लाइन कर रहे यूरोप के लिए, ये हो भी तो गया ट्रेन लाइन. तो हुआ क्या, ये इकट्ठा किया था काम फॉर वो ये सिंधाल आ रहे थे नहीं है. आते आते कहाँ पहुंचे, वही रेमुना में. किसी को पता नहीं चला कि माधवेंद्रपुरी आए, और उस दिन मंगलाय में सबको बता दे, सब ढूंढे मिले ही नहीं. बोले रमता जोगी बेहतर बाबा कहाँ चले. Шёл обратно через Ремуну. अब क्या किया, на ночь в Ремуна. И тот же Гопала же пришел к нему во сне и сказал: Мадав, сейчас ты уже стар. 89 лет, я беспокойство тебе приношу. साल तुम्हारा हो गया, देख मैं कितना कष्ट दे रहा हूँ, करूँ क्या, मेरा कोई उपाय नहीं, किससे कहूँ. तो камфору сандал пасту обратно. Все этим тело надо же. Нет, Гопинат के अंगों में लगा दे, मेरा अंग शीतल हो जाएगा. मेरे और गोपीनाथ में कोई разницы между любыми божествами. Кришна он один. कोई भी विग्रह हो, समस्त विग्रह एक ही है. Также Драпурипад предстал перед преданными, все его узнали. О, это тот Мадхавендра Пурипад. Начался праздник Чандана Ятра. Уси самой се Чандан Ятра ка шуруат. Джаганат Харат ка Ятра, а в Кали-югу началась этого случая с Мадхавендра Пурипадом. उससे पहले कलयुग में ये नहीं था, और वहीं पर माधवेंद्रपुरी अप्रकट हो गए और ब्रज में नहीं आ सके.
ब्रज में आते तो ठाकुर जी हम लोगों को सेवा लेते, गौड़ीय संप्रदाय के पुजारी को देखे गए थे, अब ठाकुर जी को लोग ले लिया। В этом случае мы снова поклоняться божеству. Это было желание божества, чтобы поклонялись ему преданные Кришна Сампрадая. Пахария хай. Удар кон кон гея. Обигай, вот бол рэ чача джи. बोले मेरा कुछ याद नहीं रहता है, केवल हरिनाम माला याद है। तो उधर गए थे उसको भी याद है, हाथ उठा रहे, देखो ये भूला नहीं कुछ। मैं बोला तुम पुनीत को माँ को भूल गया, उसको भूला नहीं। पुनीत और दीपू तुम्हारा बेटा भूल गया, वो भी भूला नहीं। तो भूला क्या, बोले मेरा कोई याद नहीं, सब भूल गया, केवल हरिनाम याद है। और जो पूछता हूँ बोले वो तो याद है, तो भूला नहीं अभी। अब बोले याद नहीं रहता है, देखो कॉल गया वो भी याद है। ठाकुर जी को क्या चाहिए? शिवा की कितनी सुंदर परिपाटी है। ठाकुर जी को क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। और ठाकुर जी का सेवा ठाट से हो, राजपुत्र है ना, राजपुत्र नहीं, महाराज कुमार, महाराज नंद के बेटा है। क्या किया, जहाँ चले गए जिसको नाथद्वार बोलते हैं, उधर कितनी सुंदर सेवा चलती है। और उधर कितने गौवे, कितने सब सेवा उधर रह रहे हैं। और देखेंगे ठाकुर जी जितने भी शिव विग्रह हैं, божества श्री हुए हैं, वनीस смотрят полуприкрытые, почему так? आंख नीचे क्यों? बोलो रामानंद क्यों है? और इसमें भी दो बार तीन बार बताया था। हाँ, किसके साथ? फिर कौन गिरा दिया? भांगी ने, भांगी ने गिरा दिया। लड़के की माँ ने गिरा दिया ठाकुर जी को, ना क्या किया? ठाकुर जी игрался с мальчиком однажды, и этот мальчик столкнул его в Говиндакунду. Почему его глаза, почему глаза Радха же немного прикрыты и смотрят, как будто... Рамес, ты где кабхи? Почему его глаза прикрыты и смотрят немного... Чача Рамес ке сад гея та, яд не. Вену упал гея чо? Смущенно вниз. Сэм. Гурудева спрашивает преданных в храме рассказать историю. Мальчиком. Вот мальчик столкнулся в озеро. Потом вернулся в храм мокрым.
बोलो दामोदर पूरा बोलो क्या जानते हो, बोलो श्याम सुंदर Гурдева просит пред... Ки, боло, о, по очереди рассказать эту лилу. Хинди я боло, идхар ки хиндустани ке расгулла хате хо, а роти ар болдо го Бангла ме чале га ни. Навадди ме жаке боло, митха дой хана? Карте те. Потому что дворовая собака умнее, породистая, и с ней меньше заморочек. सचिनंदन वल्लभाचार्य जी के एक शिष्य थे गोविंद नाम के, तो उनका भी ठाकुर जी के संग सख्य भाव था। तो एक बार श्रीनाथ जी उनके संग मिल रहे थे गोविंद जी के संग में, इसलिए गोविंद जी के संग मिल रहे थे। एक बार Ученик Валабхачари, Говинда, у него были очень теплые отношения с Господом. Говинда увидел, что так Арджи играет с сыном горшницы. Столько много правил, предписаний, по которым тебе поклоняются, а ты играешь с этим сыном горшницы. Я с ним играю, потому что мне так нравится. Говинда столкнул его в Говиндакунду, и Такур же пришел обратно в алтарную мокрым. Ачарь спросил Говинду, что произошло? Говинда был мокрым, и большинство Шинатаджи оба были мокрыми. Какова причина, что вы оба мокрые? Что произошло? И Говинда все рассказал Валабхачари и Шринатха же божество смущенно смотрело вниз. На берегу Говинда Кунды находится храм Атхавендра Пурипады. जब कभी वल्लभाचार्य जी ब्रज में आते थे गोवर्धन जाने पर परिपात отдал служение श्रीनाथ के ученикам विष्णु स्वामी संप्रदाय दोपहर को भोग लगाया उस खुद भोग लगाते आरती के दोपहर के समय रविंद्र परिपात сам совершал арати сам предлагал Богу जैसे भक्ति सिद्धांत सबसे ठाकुर को हम लोग प्रभुपाद बोलते हैं ऐसे उनको लोग जय जय बोलते हैं। प्रभुपादा प्रभुपादा है также शिष्यों में से एक शिष्य का नाम था गोविंद वो नजवाले जय जय गोविंद प्रतिदिन जैसे हम लोग जसमती नंदन गाते हैं ऐसे उन लोग आरती है ученिक गोविंद उनके आरती पद गाते थे और когда мы поем Шримати Нандана आरती ये ठाकुर जी का कुछ सुख भाव था भोग लगा गोविंद उधर कहीं गया था देखा रही ठाकुर जी तो गोविंद очень у него была всякий раз पहचान लिया ही так он что играет с сыном уборщицы Если свидания, то я предлагаю тебе Богу, а ты играешь с сыном уборщицы, я позову Джай Джая. Кришна сказал, да, иди позови Джай Джая, то есть Валабхачари, их учителя. Мне все равно, я люблю играть с сыном уборщицы. Равинда сказал, ну хорошо, дай-ка я ему расскажу. Так, во время арати. Мы
нужно было проводить арати, но божества не было. О, нет, я не буду возвращаться, я хочу играть с этим мальчиком, уборщицей. Так, Говинда, у них любовный спор произошел. Как произошло? Говинда подошел к Шринатхаджи и столкнул его в Говиндакунду. Очень разумным. बिल्कुल कुंड के धार साइड से जा रहे थे जी ठाकुर जी को मारा धक्का वो पड़ा गिर पकड़ लिया ठाकुर जी को गोविंद столкнул ठाकुर जी ठाकुर जी захватил его с собой и оба они упали в воду कपड़ा क्या सूखा रहेगा गीला होगा ये оба стали мокрыми गीला हो गया घंटा बजाया अब ну это было время арати घंटा बजाया арати के लिए अब दोनों ही तैर करके आए आगे ठाकुर जी दौड़ रहे हैं घुस गए मंदिर में गोविंद भी आ गया अब जय जय आरती когда звонил колокольчик Кришна немедленно побежал туда и занял свое место и когда Валабхачари начал арати он увидел ठाकुर जी कपड़ा он увидел что вода течет गोविंद भी गीला है и так уже полностью мокрый так и так уже был мокрый и Говинда был мокрый почему оба мокрые я вам बता दूं मुख से नहीं बोला इशारा से गोविंद спросил что мне он спрашивал у Кришны мне рассказать джай-джаю तेरा जय-जय मेरा क्या करे तेरा परा नहीं вот ты мне тогда сказал что тебе всё равно что джай-джай тебе сделает мне сейчас рассказать всю историю बताया उस समय बहुत दिखा रहा था сейчас рассказать как ты со мной общался तो बोलेंगे नहीं गोविंद तो फिर बोलो जय बोले बोलो क्या बात है बोले नहीं बाबा प्रसाद स्पष्ट तो बोले देखो मैं तेरा गुरु हूं गुरु छाड़ी गोविंद भजे он стал спрашивать у Кришны божества кто я твой гуру или вот он твой гуру Говинда कोई गोविंद का भजन करता है расскажи что произошло क्या है वो पापी है नरक में जाके गुजारा करेगा मैं तेरा गुरु हूं बोल какую правду, которая есть, нужно говорить своему гуру. А Валабхачари спрашивал у Говинды, а Говинда хотел подтвердить у Кришны. Валабхачари настаивал, расскажи мне, расскажи, я твой гуру. Я был... Мы были на Говиндакунде, и вот... Я столкнул его. Исслие, джахан бхи... श्रीनाथ जी का मूर्ति देखोगे जो नाथद्वार में है उधर भी और так, जो божество अभी भी बनेंगे ठाकुर जी सब लोग क्या है सबका ठाकुर जी का निगाह नीचे और है ये श्रीनाथ जी का रहस्य है क्यों ठाकुर जी नीचे मुख करके देखते हैं это причина по которой божество Шринатхаджи смотрит смущенно вниз только у этого божества есть такая особенность और जितने भी ग्रह हैं कहीं भी किसी संप्रदाय में देखो तो सीधा देख रहे हैं у всех других божества у всех других божеств глаза смотрят прямо और कहीं बैठे हुए नहीं है सच्चिदानंद
हमारे अभी जुपिटर का स्थान नहीं है अभी, होगा इसको और एक है हमारे और एक है हमारे संप्रदाय में एक विग्रह है बैठे हैं और सब जगह में विग्रह खड़े हैं, कोई लेटे हुए हैं। लेटे हुए कहाँ पर? श्रीरंगम पर। क्या है? लेकिन कहीं भी हो और ये क्या है? सब खड़े हैं, घुटनों पर चल रहे हैं, बैठे के नहीं, क्योंकि बाल गोपाल है वो तो कौन से विग्रह घुटनों पर चल रहे हैं? कौन से विग्रह बैठे हैं बोलो? रामानंद टोटा गोपीनाथ पूरी गए छ। अच्छा, टोटा गोपीनाथ बैठे हैं क्यों? जब सनातन पूरी गए छ श्री रंग में ताकर जो लिजित ना पस्तेले मठे आशा लागे कि पड़े गए छले बालागोपाल ना कलेने टोटा गोपीनाथ दर्शन करे छ कि करे नहीं मने नहीं ठीक दर्शन करे छ कि ना Кто такой Пинат? В сидячем положении. Почему кто такой Пинат сидит? Почему причина? Что является причиной тому, что кто такой Пинат сидит? Шриман Махапрабху находился в этом мире 48 лет. Шриман Махапрабху в жагат ме 48 сал так тхе. Шримад Бхагаватам Радхаджи ки махима пар прославляет всегда Радхарани, и Шриман Махапрабху пришел пустить настроение Радхарани. Бхав Радхика Мадхури Асадан Расакадж Калите Пракат Бхае Браджарадж महाप्रभु में ब्रजराज कलिजुग प्रकट है क्यों? राधे राधिका भाव माधुरी आसादन तरकाज राधिका कृष्ण пришёл как Махапрабху чтобы вкусить настроение Радхарани. Какова ब्रजराज कलि में महाप्रभु में प्रकट настроение श्रीमते Радхарани. ये राधिका का भाव माधुरी क्या है? मदना के महाभाव принадлежит только ей. Она не может быть ни у Лалиты, ни у Вишаки, только у Радхарани. Маданака Махапрабху принадлежит только Радхарани. Когда Шриман Махапрабху ушел из этого мира, до этого он каждый день приходил слушать Харикатху от Гадхар Пандита, который является самой Шримати Радикой. बच्चा गदाधर तुम्हें एक चीज दूंगा तुम लेगा बोले प्रभु। यह प्रेविल है तो बच्चे स्वर्ग लेता है अधकार पंडिता।
Когда Шриман Махапрабху ушел, он оставил это божество для Гададхар Пандита. И Гададхар Пандит стал очень стар. Он стал стар не от, не от возраста, а из-за разлуки с Махапрабху. Он всегда поклонялся божеству Тота Гопинатхи. Однажды Гопинат сказал: «О, наверное, тебе доносит много беспокойства поклоняться мне, вешать мне гирлянду». И так он принял сидячее положение. फिर महाप्रभु के एक साल बाद ऐसे महाप्रभु 48 साल में गए ऐसे गदाधर божество божество находится в сидячем положении, спустилось вниз, село, чтобы Гададхар Пандиту было меньше сложности поклоняться божеству. लटका हुआ है और दाहिने साइड में कमर में थोड़ा एक चिन्ह है जहां महाप्रभु उसमें प्रवेश किया था गुरु जी के साथ यह बहुत बार देखा अभी केवल उसको मंगला के आरती के समय दर्शन कराते हैं 50 रुपया लेते हैं पर हेड पहले पैसा कुछ नहीं लेते थे अब दर्शन उस समय कराते हैं ये ठाकुर जी बैठे हैं смотрите наш самбрадай есть так уже который с прикрытыми глазами так уже который сидит आज यहीं तक रहे आरती हरे कृष्णा वंचाकल्पतरुभश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां कावलेभ्यो वैष्णव